तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको करना क्या होगा, जिस फ़ोन पे आपका जो है कॉल डाइवर्ट हो गया है उस फ़ोन को आपको सिंपली ले लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी जो है हमारे हाथों में एक नोकिया का सिंपल सेट है बटन वाला, और ये जो है मॉडल नंबर इसका 105 है इसका मॉडल नंबर। और इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एरर आ रहा है। ये आपको एरर अगर आपके फ़ोन पर भी इस तरह से एरर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो है कॉल फॉरवर्ड हो गया है। आपका जो भी आपके इस मोबाइल के नंबर पर जो भी आपका कॉल आएगा वो किसी और दूसरे के नंबर में कॉल फॉरवर्डिंग चला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरर का मैसेज आ रहा है। तो आपको इसे हटाने के लिए करना क्या होगा कि सिंपली आपको ये मोबाइल के सेटिंग पे आ जाना है। जैसे ही आप इसे पहले तो मेन्यू पे आपको ओपन करना होगा। जैसे ही आप इसका मेन्यू को ओपन करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको नीचे की ओर आ जाना है। और यहाँ पर देख सकते हो आपको एक स्टूल यहाँ पर दिख रहा होगा, सेटिंग यहाँ पर आपको लिखा हुआ है देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ है तो आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसे ओपन करते हैं तो आप जो है इसे नीचे की ओर लेके आएंगे। जैसे ही आप इसे नीचे की ओर लेके आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो आपको ये ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करना है, और आपको ऊपर में देख सकते हो कॉल डाइवर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको कॉल डाइवर्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप कॉल डाइवर्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाइवर्ट ऑल वॉइस कॉल, तो आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट कर लेते हो फ्रेंड्स, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सारा खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्टिवेट, कैंसिल, चेक स्टेटस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपको एक्टिवेट पे टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे ओके पे टैप करते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हो टू वॉइस मेल इनबॉक्स, तो यहाँ पर आपको है, और यहाँ पर टू अदर नंबर, तो आपको टू अदर नंबर पर ओके कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप टू अदर नंबर पर ओके करते हो तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, जिस नंबर पे जो है आपका कॉल डाइवर्ट चला गया है वो नंबर यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिंपली शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जो है ये नंबर को हटाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको तो यहाँ पे सारा नंबर को एडिट कर देना होगा, क्लियर कर देना होगा। जैसे ही आप क्लियर कर देते हो तो यहाँ पर आपको कोई नंबर डालना है, तो यहाँ पर आप चाहोगे तो 4x0 यहाँ पर एंटर कर सकते हो और इसे ओके पे टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे ओके पे टाइप करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ये नंबर हो चुका है, और यहाँ पे जो है आपका कॉल डाइवर्टिंग जो आपका शो हो रहा था वो हट चुका है। तो आप जो है इस प्रकार से भी हटा सकते हो, और नहीं तो आप इसे डायरेक्टली भी आप चाहोगे तो यहाँ पे सेटिंग पे ओके जाओगे, फिर से कॉल डाइवर्ट पर फिर से जाओगे, और यहाँ पर जो है फिर से आपको ओके करना है, और यहाँ पर सारा जो है कैंसिल पर टैप कर देना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप कैंसिल पर टैप करते हो फ्रेंड्स, तो आपका जो है जितना भी कॉल डाइवर्टिंग में आपका नंबर शो हो रहा था वो सारा नंबर ऑटोमेटिकली यहां से डिलीट हो चुका है। अब जो यहां पे देख सकते हो जो एरर आप यहां पे आ रहा था फ्रेंड्स, वो एरर हट चुका है, और आपका जो नंबर पे कॉल डाइवर्ट हो चुका था, आपका जो भी ये नंबर पे फ़ोन आ रहा था वो किसी और दूसरे के नंबर पर चला जा रहा था, जिस नंबर का जो है आपने कॉल डाइवर्टिंग पर लगा रखा था वो अब प्रॉब्लम हट चुका है, और आपका जो है कॉल अब दूसरे नंबर पर नहीं जाकर इसी नंबर पर अब जो है कॉल आएगा। तो आप इस प्रकार से फ्रेंड्स अपना कॉल डाइवर्टिंग को हटा सकते हो।